एक कहानी ऐसी जिससे रूह कांप जाए। हजारों मील दूर रहने के बावजूद एलेक्स और सारा एक साल से डेटिंग कर रहे थे। वे ऑनलाइन मिले और जल्द ही प्यार में पड़ गए, लेकिन उनके बीच की दूरी एक निरंतर चुनौती थी। वे हर दिन बात करते थे और वीडियो चैट करते थे, लेकिन यह व्यक्तिगत रूप से एक साथ रहने जैसा नहीं था। एक रात एलेक्स और सारा हमेशा की तरह वीडियो चैट कर रहे थे। वे भविष्य के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे और वे आखिरकार एक साथ होने का इंतजार कैसे नहीं कर सकते थे। सारा अपने कमरे में बैठी थी और एलेक्स उसके पीछे उसका बिस्तर देख सकता था। अचानक एलेक्स को कुछ अजीब सा नजर आया। पृष्ठभूमि में एक काली छाया घूम रही थी। यह छोटा और धुंधला था, लेकिन वह बता सकता था कि यह सारा के बिस्तर की ओर बढ़ रहा था। सारा, एलेक्स ने कहा, क्या तुम्हें वह दिखता है? सारा ने अपने कंधे के ऊपर से बिस्तर की ओर देखा। क्या क्या है, उसने पूछा। तुम्हारे बिस्तर पर कुछ हलचल हो रही है, एलेक्स ने कहा। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन यह आपकी ओर आ रहा है। सारा ने भौहें सिकोड़ ली और फिर से अपने बिस्तर की ओर देखा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसने कहा। लेकिन यह वही है, एलेक्स ने कहा। यह एक अंधेरी छाया है, यह करीब आ रही है। सारा की आंखें डर के मारे फैल गईं। मुझे यह पसंद नहीं है, उसने कहा। मैं यहां से निकलने जा रहा हूं। एलेक्स तबाह हो गया था। वह नहीं जानता था कि सारा कहां गई थी या उसे कैसे खोजा जाए। उसे लगा जैसे वह अपना दिमाग खो रहा है। एलेक्स अपने होटल के कमरे में लौट आया और बिस्तर पर गिर गया। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसने अपने जीवन का प्यार खो दिया था और वह नहीं जानता था कि उसे वापस कैसे लाया जाए। एलेक्स ने अपनी आंखें बंद कर ली और सब कुछ भूलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सोने लगा, उसने फिर से परछाई देखी। यह उसके ऊपर खड़ा था, क्रूरतापूर्वक मुस्कुरा रहा था। एलेक्स चिल्लाते हुए उठा। वह जानता था कि वह सारा की आंखों की छाया या भय को कभी नहीं भूलेगा। सारा उठ खड़ी हुई और अपने कमरे से बाहर जाने लगी। जब परछाई उसका पीछा कर रही थी तो एलेक्स ने उसे भयभीत होकर देखा। यह बड़ा और बड़ा होता जा रहा था और अब वह देख सकता था कि इसका आकार एक व्यक्ति जैसा हो गया है। सारा, एलेक्स चिल्लाया, दौड़ना। सारा ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन छाया तेज थी। यह उसके पास पहुंचा और उसकी बांह पकड़ ली। सारा भय से चिल्ला उठी। एलेक्स ने आश्चर्य से देखा जब छाया सारा को वापस उसके कमरे में खींच ले गई। वीडियो चैट ब्लैक हो गई। एलेक्स ने सारा को वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन सीधे वॉइसमेल पर चला गया। उसने उसे ईमेल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह घबराने लगा था। एलेक्स को नहीं पता था कि क्या करना है। वह सारा से बहुत दूर था और वह नहीं जानता था कि उसकी मदद कैसे करे। उसने उसके दोस्तों और परिवार को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। एलेक्स उम्मीद खोने लगा था। वह नहीं जानता था कि सारा को क्या हुआ था, लेकिन वह जानता था कि वह खतरे में थी। उसे बचाने का रास्ता ढूंढना था। एलेक्स ने सारा के शहर के लिए एक फ्लाइट बुक करने का फैसला किया। वह अब और इंतजार नहीं कर सका। उसे स्वयं देखना था और यह सुनिश्चित करना था कि वह सुरक्षित है। जब एलेक्स सारा के अपार्टमेंट में पहुंचा तो उसे खाली देखकर हैरान रह गया। उसका बिस्तर लगा हुआ था और उसका सारा सामान अपनी जगह पर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां कभी थी ही नहीं। एलेक्स बिल्डिंग मैनेजर के पास गया और सारा के बारे में पूछा। मैनेजर ने उसे बताया कि सारा कुछ हफ्ते पहले ही बाहर चली गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अग्रेषण पता नहीं छोड़ा।